हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चत्वारी धामानी। चत्वारी धामानी अर्थात चार धाम। चार धाम जो पवित्र स्थान है जिस पर सभी यात्रा करने जाते हैं। ये लेसन है जो ये पाठ है वह शिक्षक और बच्चों के बीच की बातचीत से स्टार्ट होता है। तो कुछ बच्चे इनके बारे में जानते हैं। ये पिक्चर में आपको चार महापुरुष दिख रहे हैं और एक बीच में बैठे हुए संत दिख रहे हैं। ये जगतगुरु शंकराचार्य हैं। तो कुछ बच्चे इनके बारे में जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। इस प्रकार शिक्षिका और बच्चे एक दूसरे से संवाद करते हुए बात कर रहे हैं। इसमें शिक्षिका एक लड़की से पूछती हैं जिसका नाम भारती है, भारती भवती जानती किम का, भारती जानती हो कि यह महापुरुष कौन है। भारती कहती है हाँ अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। हाँ ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं। महेश कहता है हाँ मैं भी जानता हूँ इनके चार शिष्य हैं। देवेश कहता है शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वाचार्य है। शिक्षिका कहती हैं देवेश अन्यत्रणाम शिष्याणाम नामानि कानि, इन और अन्य तीन शिष्यों के नाम क्या हैं। देवेश कहता है अहम ना जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। शारदा द्वितीय शिष्य हस्तमालिका, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पदमपाद। शारदा कहती है इन तीनों शिष्यों के नाम बारी बारी से हस्तमालिका त्रोटकाचार्य और चतुर्थ शिष्य का नाम पदमपाद है। शिक्षिका कहती हैं साधु अपि जानन्ति संकरमठानि, क्या तुम लोग संकरमठ के बारे में जानते हो। सभी कहते हैं ना जानामि। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु दिक्षु चत्वारी मठानि स्थापितानि, चानि चत्वारी पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। शिक्षिका कहती हैं शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की है जो पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। महेश कहता है अरे हाँ उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा। अभी हमने पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि महेश कहता है कि उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी नाम के चार धाम हैं। शिक्षिका कहती हैं सत्य कहा, किंतु धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की है अपि चार चत्वारी धामानि इति प्रसिद्धानि, और ये चार धाम चार मठ जो हैं वो धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति, उनके चारों दिशाओं में चार मठ हैं। भारती कहती है तानि धामानि कानि, उन धामों के नाम क्या हैं या वो धाम कौन से हैं। शिक्षिका कहती हैं श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, ये चार धाम हैं। देवेश कहता है कस्या दिशा संति, कौन कौन सी दिशा में हैं। शिक्षिका कहती हैं पश्यतु इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति, इस कोष्टक को देखो ध्यान से जिसमें ये दिशाएं और उनका स्थान दिया गया है। दक्षिण दिशा में कौन सा मठ है, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी में और कर्नाटक राज्य में है ये। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य। ये पूर्व दिशा में जो गोवर्धन मठ है वो जगन्नाथपुरी नाम का है और उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशा में कौन सा मठ है, शारदा मठ है, यह द्वारका है, द्वारका के नाम से है और गुजरात राज्य में है। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है, बद्रीनाथ है इसका नाम है और उत्तराखंड राज्य में है।
शिक्षिका कहती हैं, धर्म एवं भारतस एकताया मूलाधारा, धर्म ही भारत का मूलाधार है। भारत की एकता का मूलाधार है। धर्म को रक्षित करने से ही धर्म रक्षित होगा, अर्थात भारत संरक्षित होगा। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वाधानम प्रचार्थम एतानी मठानी स्थापितानी। धर्म रक्षा के लिए ही वेद और तत्वों की रक्षा करना चाहिए, उसी के लिए इन्होंने ये मठों की स्थापना की है। मठानाम स्थापकम जगतगुरु शंकराचार्य स्मरणाम। मठों की स्थापना करने वाले जगतगुरु को हम हमेशा याद करेंगे। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम। श्रुति स्मृति श्रुतियाँ स्मृतियाँ पुराणों में, मंदिरों में और करुणालयों में इन भगवान शंकर को जिस प्रकार याद किया जाता है, उसी प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य ने भी हमारे भारत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए बहुत से काम किए हैं। धन्यवाद।